एवं कुछ इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिएगा प्रकाश के परिचय संबंधी जो टॉपिक है और टर्म है उसको हमने जो है अलग से वीडियो जो है पढ़ा दिया है उसको। आज जो है हम लोग का सेकेंड क्लास होने वाला है, इसका एक क्लास हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाके जल्द से जल्द देखिए, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके पहले हमने आपको पढ़ाए हैं उसमें प्रकाश क्या है और प्रकाश के विभिन्न स्रोतों के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिरकार क्या। तो देखिएगा प्रकाश, यहाँ से आप सुनते रहेंगे और समझते हुए आप क्या करेंगे लिखते चलेंगे। तो हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा प्रकाश, यहाँ प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के किसी वस्तु पर, प्रकाश या किसी वस्तु पर टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या सुने, प्रकाश के किसी वस्तु, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो जो है लौटती है और लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम है क्या। तो देखिएगा प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर जिस नियम का पालन करते हुए लौटती है उन नियम को क्या बोलते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम है, क्या गो नियम है, दो गो नियम होता है। तो यहाँ समझ लीजिएगा क्या क्या है। सबसे पहले हम समझा रहे हैं, ये हो गया कोई समतल सतह जिसको है इसका या कलई हुआ भाग गया, कलई कर दे रहे हैं, क्या कर दिए हम लोग, कलई कर दिए। अब देखिएगा यहाँ से तो प्रकाश की किरण जो है इस पर पड़ेगी, यहाँ देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहाँ से जो यहाँ पे पड़ गई और ये जो है यहाँ से क्या करेगी, ये लौट जाएगी, क्या करेगी यहाँ से लौट जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल खींच लेंगे, क्या खींच लेंगे यहाँ से, नॉर्मल खींच लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ से हम लोग नॉर्मल खींच लेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग समझ रहे हैं इसको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, तो आने वाली किरण को जो है ना आपतित किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। जो किरणें जो है सतह से टकराकर लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और उसके बाद जो है आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु, इसका नामकरण कीजिए आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन बिंदु पर जो लंब खींच दिया जाता है इसका नाम क्या हो गया, अभिलंब हो गया। फिजिक्स में हम क्या कहेंगे इसको, अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। इसको एन से रिटर्न किए, यहाँ को कर दीजिए, ये ए हो जाएगा और ये आपका मान लीजिए ये बी हो गया। तो ओ ए कोई किरण है जो आई, प्रकाश की किरण है ये, और ये समतल सतह से टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई यानी लौट गई, यानी परावर्तित किरण कौन हो गई, ओ बी हो गई। और ये जो बिंदु हो गया आपका ये आपतन बिंदु कहा, आपतन बिंदु पर आपने लंब खींच लिया तो इसको अभिलंब बोल दिए। अब यहाँ देखिएगा आपतित किरण, आपतित किरण कुछ कुछ टर्म इसमें आते हैं, उन टर्मों के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को जो है आपतन कोण बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं कोण आई से, इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इस अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच बने जो भाग है, एंगल जो बन रहा है, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पे आई से सूचित कर लेते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। और उसी तरह यहाँ बोलेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे, जिसको सूचित कर लेंगे हम लोग कोण आर से। यानी आने वाली किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो दो वर्ड मिला आपको यहाँ से, कोण आई और कोण आर। तो कोण आई को बोलिएगा आप लोग आपतन कोण, क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, जबकि कोण आर को जो है परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रूल के बारे में बात करेंगे,
परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है प्रकाश के, परावर्तन के दो नियम है। तो कौन कौन नियम है? पहला नियम समझिएगा, पहला रूल जो होता है, पहला नियम जो है यहाँ क्या कहता है, आपतित किरण, ध्यान से समझते रहे हैं, सुनेंगे और इसको अच्छे से अपना लिख लेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में या एक ही तल में जो भी बना अपना लिख सकते हैं। तो पहला रूल होता है, यहाँ से पहला रूल लिख लेंगे आप लोग, पहला रूल बोल रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ये आपके एक रूल हो गए। और दूसरा रूल जो लिखिएगा आप लोग, दूसरा रूल क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण ये वाला आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी शॉर्टकट में लिख देंगे तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी कहा जाएगा 30 डिग्री, ये 20 डिग्री तो ये भी कहा जाएगा 20 डिग्री। तो ये आपके परावर्तन के नियम के दो नियम हमने आपको बता दिया, प्रकाश के परावर्तन भी आपको बता दिया, इसमें आने वाले विभिन्न टर्म जो होंगे वो भी हमने आपको चर्चा कर दिया। कौन कौन टर्म इसमें आता है? आपतित किरण आता है, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सारे चीजों के बारे में हम आपको इसमें बताए। अब हम लोग इसमें जान लेंगे आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए समतल दर्पण, यदि कोई समतल दर्पण है यहाँ समझिएगा, यदि कोई समतल दर्पण यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इसको कड़ाई कर देते हैं पहले। यदि कोई समतल दर्पण है, इस पर जो है कोई किरण एकदम डायरेक्ट इस प्रकार आ रहा है, यहाँ तिरछा हो गया देखिए, या यदि कोई समतल दर्पण को कोई किरण है इस प्रकार आया, ये आया, यह आया तो डायरेक्ट लंबवत रूप से 90 डिग्री से आएगा ना, तो ये जो आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपतित किरण बोलेंगे। और ये जब ऐसे आएगी ना तो इसी रास्ते पर ये लौट जाती है, इसी रास्ते पर लौट जाती है, तो इसमें जो कोण बनेगा इसी में आपतन कोण, आने वाले किरण के साथ आपतन कोण और जाने वाले किरण के साथ जो कोण बनेगा वो आप परावर्तन कोण बन जाएगा। और इसी स्थिति में आपका जो है कोण आई बराबर कोण आर का खैर होवे करता है परावर्तन के नियम से, और यहाँ जो है दोनों जीरो डिग्री बन गया, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है यहाँ जीरो बन जाता है। यदि कोई किरण को कॉन्सेप्ट पूछेगा, यदि कोई किरण समतल दर्पण पर जो है लंबवत पड़े, क्या पड़े, परपेंडिकुलरली पड़े, लंबवत पड़े, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, तो जीरो डिग्री, और परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को आप जो है माइंड में सेटअप रखेंगे, ये समतल दर्पण के सेंस में हो गया। अब हम लोग जो है इसमें जानने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो इसको जो है समझे होंगे, हम इसको क्या करते हैं हटा देते हैं आपको तेजी से, और आगे जो है ले चलते हैं समतल दर्पण में जितने कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। आप लोग आईना जो है अपने घर में चेहरा देखते हैं वही ना समतल दर्पण कहलाता है, उसी को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, आईना बोलते हैं, जो चेहरा देखने के काम में आता है। तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसे उसका कैरेक्टर है, प्रकृति है, उसको हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। काफी इम्पोर्टेंट जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से वो हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, समतल दर्पण क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, हम लोग का टॉपिक होगा समतल दर्पण टॉपिक होगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन मिरर। क्या बोला जाता है? प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन मिरर। तो यहाँ समझिए, प्लेन मिरर को जो हम लोग बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, देखिए एकदम सतह जो एकदम चिकनी होनी चाहिए, और एक सतह क्या करते हैं कड़ाई होता है, अगर कड़ाई नहीं कीजिएगा, आने मुंह देखिएगा तो आर पार देख लीजिएगा, पर्दा के पार भी देख लीजिएगा, इसलिए आईना का कलई होना जरूरी है ताकि आपका इमेज उसके अंदर बन सके। आप चाहे तो ऐसे बना लेंगे या फिर इसको वर्टिकली ऐसे भी बना लेंगे समतल दर्पण, ये जो है क्षैतिज रूप में है और ये वर्टिकल रूप में है, ठीक है। तो आप चाहे तो जैसे यूज कर सकते हैं। ये हम लोग का हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को जो हम लोग ऐसे ही डिनोट करेंगे, ये भी क्या है हम लोगों का समतल दर्पण ही है। अब देखिएगा विद्यार्थी यहाँ से समझिए, तो समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को का जो है गुण पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले समझ लीजिए, पर लिखते हैं समतल दर्पण में, इसको लिखना है एकदम आप लोगों को समझ, पहले लिखिए समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाले
प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता जान लीजिए, कैसे कैसे जो प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम आपको जो है प्रतिबिंब पढ़ाएंगे। प्रतिबिंब यहाँ समझ लीजिएगा, पहले प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के बनता है, एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी ही बोलते हैं, यानी जो आभास होता है, जो हम लोग का आभास होता है कि है हम लोग का प्रतिबिंब बना है, उसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। और जो रियल में बनता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, जो है बनता है बोला जाता है उसको। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता देखेंगे, तो पहला विशेषता हम लोग जानेंगे। तो समतल दर्पण में जो है पहला विशेषता होता है, उसमें जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा। तो यहाँ कहेंगे आप लोग इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर सीधा बन गया तो सीधा प्रतिबिंब को ही क्या बोला जाता है, काल्पनिक भी बोलते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आप एक रूल ये जान गए। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो समतल दर्पण जो है यहाँ बनाइएगा, समतल दर्पण ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना दिए समतल दर्पण हम, और यहाँ से पे एक वस्तु रख दिए, तो ये वस्तु है ए बी है, तो इसका प्रतिबिंब जो है इसके अंदर में जो है ना, इसके अंदर में तो बन जाएगा इधर, तो ये भी जो है ऐसे ही सीधा ही बनेगा, जितबर है उतवरे बनेगा, आकार में सेम आकार होता है, तो ये ए और बी ही बन जाएगा, ऐसे बनेगा। ये प्लेन मिरर आपके हो गए, प्लेन मिरर हो गए, समतल दर्पण हो गए। तो वस्तु ए बी ई वस्तु हो गया, समझ लीजिएगा यहाँ से, वस्तु हो गया, आई उसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को चर्चा कर रहे हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब यहाँ देखिए सामने ही दर्पण के सामने वस्तु है, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है। तो आप कह सकते हैं इसमें प्रतिबिंब जो होता है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान से लिखते रहेंगे, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप देखिएगा इसमें जो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार के बराबर हो जाता है। ये जितना वस्तु होगा आपका, ये 5 मीटर की लंबाई है, तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर का होगा। जितना वस्तु होता है और प्रतिबिंब होता है, यानी इसका आकार जो है समान होता है। तो आप कहेंगे इसमें वस्तु का जो है प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है किसके बराबर, वस्तु के प्रतिबिंब जो है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु और उसके आकार के बराबर होता है। कह सकते हैं वस्तु के आकार के बराबर, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ जो है जितना बड़ा आप होते हैं वैसा ही आप उसमें दिखते हैं, कोई छल कपट आपसे प्लेन मिरर नहीं करता है, चेहरा बड़ा छोटा नहीं दिखाता है। ऐसा नहीं कि हजार में जो दुकान में जाते हैं दाढ़ी बनवाने वाले, तो उसमें जो है चेहरा आपको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो वो दूसरा आईना होता है जो हजामत में काम आता है, समझ रहे हैं ना, और उसमें चेहरा आपका बोल्ड रहता है और आप देख के बड़ा खुश जाते हैं कि बड़ा अच्छा हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त है। तो जो है दरअसल भ्रम में आप पड़ जाते हैं, तो जो है हजामती के प्रयोग में जो है ना, जो आने वाला आईना होता है जो होता है अवतल दर्पण होता है। यहाँ हम लोग समतल दर्पण में बात करते हैं, ये आपसे छल नहीं करता है, पूरा स्पष्ट जानकारी आपका जो है आपके सच्चाई जो है आपके सामने रखता है। तो इसमें वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर हो सकता है। इसमें कह सकते हैं इसमें जो है ऐसे कह दीजिए सबसे बढ़िया, इसमें प्रतिबिंब का आकार, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 3 गुण जान लिए, चौथा गुण समझिए। जब भी आप समतल दर्पण के सामने खाना ना खाइएगा तो देखिएगा कि आपका अब दया हाथ से खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बायां से खाना खा रहे हैं, बायां का यूज करेंगे तो बुझाएगा दया का यूज कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। क्वेश्चन पूछा भी है कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, समझ लीजिए कि जब हम समतल दर्पण के सामने अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं तो बायां महसूस होता है, और बायां का प्रयोग करते हैं तो दायां महसूस होता है। यह भ्रम ही क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। यानी दायां बायां का भ्रम होना ही पार्श्व परिवर्तन है।
तो पार्श्विक रूप से जो है, पार्श्विक रूप से जो है समतल दर्पण में जो इमेज होता है वो उल्टा होता है, यानी दायां बायां का भ्रम होता है। तो आप लिख सकते हैं यहां से पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब, पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है, यानी दायां बायां वाला मामला खाली उल्टा है, उसमें उल्टा नहीं है, उल्टा होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये इसका गुण है। पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, यानी दायां बायां का भ्रम होता है। उसके बाद आप जान लेंगे यहां से, इसमें जो है प्रतिबिंब हमेशा सीधा है, तो सीधा है तो सीधा चीज को जो बोला जाता है हमेशा काल्पनिक, यानी इसका इसमें जो है इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब हमेशा हमेशा काल्पनिक काल्पनिक होता है। काल्पनिक चीज को जो है इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं, और काल्पनिक एक और नाम होता है आभासी, आभास होना, महसूस होना। इसमें जो है प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। और याद भी रखिएगा, काल्पनिक चीज हमेशा सीधा होता है, सीधा चीज को बने काल्पनिक बोलेंगे। यानी जो है कभी भी आईना में अपनी इमेज को देखते हैं, कभी उसको बुलाइएगा तो आएगा, नहीं आएगा। और जो है आप भले कूदिएगा फानिएगा तो वो कूदेगा फानेगा, आप रोइएगा तो वो रोए लगेगा, आप चिल्लाइएगा तो आपका प्रतिबिंब चिल्लाएगा, बताइए नहीं चिल्लाएगा। साउंड में कोई इफेक्ट नहीं होता है, आप कूदते फानते इसका इफेक्ट होता है, लेकिन साउंड वाला इफेक्ट नहीं होता है। अगर साउंड का इफेक्ट होने लगता तो आदमी उससे बातचीत कर लेता, वार्तालाप कर लेता, उसको बुला के अपना बगल में बैठा लेता, समझ रहे ना, ऐसा स्थिति नहीं होता है। तो यहाँ आप समझिएगा छठा गुण हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ से दर्पण, यहाँ दर्पण हो गया, दर्पण ये आईना हो गया, आईना और वस्तु के बीच के दूरी जितना होगा उतना ही दूरी जो है आईने और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। अगर ये 5 मीटर होगी तो ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगी। वस्तु और आईना के बीच की दूरी यदि 5 मीटर है तो उसमें बने प्रतिबिंब और उस आईना के बीच की दूरी भी 5 मीटर होगी। यानी कह सकते हैं वस्तु दूरी बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। तो ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे कंसेप्ट है ये, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी हो गया। अब हम लोग यहाँ से एक्स्ट्रा और समझेंगे गुण, यहाँ से चाल के दृष्टि से हम लोग जानेंगे क्या हाल है। यहाँ देखिए, यदि समतल दर्पण में कोई वस्तु दौड़ना दौड़ के देखे, दौड़िएगा अगर उसमें तो इफेक्ट तो महसूस होबे करेगा ना जी, दौड़ के वाला इफेक्ट हो जाएगा, नाचिएगा कूदिएगा फनिएगा वो नाचे लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में दौड़ता है, माना कि ये दौड़ना शुरू किया 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से दौड़ेगा, तो इसका इमेज भी तो इधर से आएगा ना इसके तरफ, इसका इमेज भी तो दौड़ेगा, उधर बैठ वाला है वो कहाँ मानने वाला है, आप दौड़िएगा तो इधर से वो दौड़ेगा, तो जो इमेज दौड़ता है ना वो महसूस होता है कि दुगुनी चाल से आती हुई प्रतीत आपको होगी। तो 10 गुना क्या हो जाएगा आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आती हुई इमेज जो है प्रतीत होती है। यदि क्वेश्चन आपसे कहा जाए, यदि समतल दर्पण में कोई मतलब कोई समझिए घोड़ा हो जाए, दौड़ने वाला जीव है, या कोई व्यक्ति हो जाए, यदि 50 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा है तो उसमें जो बनने वाला इमेज होगा वो कितना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो आप उसको दुगुनी चाल से जो है महसूस कराएंगे, यानी 50 गुना 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी जो है चाल जो होता है ना, चाल ले लीजिए, चाहे वेग ले लीजिए, वस्तु का ले लीजिए, और यह जो होगा इसमें अगर चाल प्रतिबिंब का देखिएगा, प्रतिबिंब का अगर चाल देखिएगा प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब का चाल जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा आपका, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दुगुनी चाल से आती हुई प्रतीत जो है होगा। यानी कह सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का चाल वस्तु के चाल का जो है दुगुना होता है। आप नोट कर लीजिए यहाँ से, बहुत ये कारगर कंसेप्ट है। यानी आप जो है यहाँ कहेंगे प्रतिबिंब का चाल यानी कहे तो प्रतिबिंब का चाल जो है वस्तु से दुगुनी प्रतीत होती है, वस्तु से दुगुनी प्रतीत होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हम आप लोगों को 7 गुण पढ़ा दिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के विशेषताएं हैं ये। तो
तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे यदि आप जिस स्पीड से दौड़ते हैं तो आपका जो है प्रतिदिन वो दुगुनी स्पीड से जाती हुई प्रतीत आती हुई प्रतीत होगी। लेकिन आप चिल्लाइएगा कितना कष्ट चिल्लाइएगा तो साउंड जो है दुगुना तिगुना साउंड जो है आपको डिटर्बिंग नहीं मारता है, बस मुंह चलाएगा लेकिन आवाज आवाज जो है आईना से निकल कर नहीं आता है। तो आपने जो है जाना समतल दर्पण को अच्छे से और स्क्रिप्ट में बनने वाले प्रतिबिंब के कैरेक्टर जाना, ये बहुत ही इसमें कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव भी आप तैयार कर लिए और सब्जेक्टिव भी पूछेगा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के विशेषता चार को पांच को जो भी आपके मन में इच्छा में है वो अपने अच्छे से इसको आपका करेंगे लिख लेंगे और ऑब्जेक्टिव का पूरा एकदम ध्यान रखेंगे। तो ये आपने जाना समतल दर्पण। अब आपको जो है प्रतिबिंब के बारे में हम बताएंगे कि प्रतिबिंब आखिर है क्या। अब यहाँ देखिएगा प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं तो समतल दर्पण में कोई दिक्कत हो तो बताइए, हमने आपको पूरा कंसेप्शन बताया है।